वृश्चिक राशि, यहाँ पर वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। मंगल 3 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपके लिए मंगल ही मंगल होने वाला है। यहाँ पर 3 तारीख की बात का समय आपके लिए बहुत शुभकारी है, प्रभावशाली है। व्यापार में जो काम कर रहे हैं, व्यापार स्थिति में भी सुधार होने वाला है। बस उन्हें यहाँ पर 15 तारीख तक ध्यान रखना है, बहुत सोच समझ के काम करना है। 15 तारीख के बाद फिर आपके व्यापार में सुधार आ सकता है, बहुत अच्छी व्यापारिक तरक्की हो सकती है। पढ़ने वाले बच्चे भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, बहुत अच्छा समय है, मंगलकारी समय है, आपका पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा। बस थोड़ा सा फोकस आपको और पढ़ाई पे करना है, उत्तर दिशा में मुँह करके आप पढ़ाई कीजिए। एक लाल कलर का रुमाल अपने टेबल पर रख लीजिए, मुँह पहुँचने के लिए आप लाल रंग के रुमाल को अपने पास पर रखें। इसके साथ साथ लाल चीज़ों को ग्रहण करें, जैसे एप्पल है, जैसे अनार है, इसको ग्रहण करें। नवरात्रि आपके बीच में है, 9 दिन तक आप बड़ी आत्मीयता के साथ लाल कपड़े पहनकर के साधना करें, लाल आसन पर बैठें। लाल माला से आपको ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः, इस मंत्र की आपको जाप करना है। आपके व्यापार में तरक्की होगी, पढ़ने वाले बच्चों में भी एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होगा। जो अस्वस्थ हैं उनके ऊपर से आप मसूर की दाल उतार देना, तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वह दाल गरीबों को दे सकते हैं या किसी गौशाला में भी जाके पहुँचा सकते हैं। यह कार्य आपको इस महीने करना है। इसके बाद स्वास्थ्य लाभ में भी सुधार आने वाला है। इसके साथ साथ आपके पारिवारिक जीवन साथी में भी ये बहुत एकात्मिकता बढ़ सकती है। इस तरीके से आप नवरात्रि की साधना करें और इस महीने को बहुत आत्मीयता के साथ, शक्ति के साथ जुड़ करके अपने अंदर की दिव्य शक्ति को जगाने का प्रयास करें।